हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मूवीज मिनिया वॉर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बॉलीवुड के अंदर बनाई गई एनिमेटेड मूवीज़ के बारे में। वैसा तो आप लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा बॉलीवुड के एनिमेटेड मूवीज़ के ऊपर, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत ही कम एनिमेशन मूवीज़ बनी है, और जो भी मूवीज़ है इन मूवीज़ को एक बार तो देख लेना चाहिए। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए 8 एनिमेटेड मूवीज़ लाया हूँ जो बॉलीवुड के अंदर बनाई गई है। और अगर आप किसी भी मूवीज़ को मिस नहीं करना चाहता है तो वीडियो पर ज़रूर अंत तक बने रहिए, और ये मूवीज़ आपको आसानी से YouTube पर देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, 2010 की टूनपुर का सुपर हीरो। ये मूवी एनिमेशन होने का साथ लाइव एक्शन भी है, जिसमें अजय देवगन और कजोल देखने को मिला था। इस मूवी में दो दुनिया दिखाया है, एक इंसानी दुनिया और एक कार्टून की दुनिया, जिस कार्टून की दुनिया में अजय देवगन की कैरेक्टर फंस जाता है। और इस मूवी को रेटिंग दी है 10 में से 4.2। इस मूवी को मैंने यूट्यूब पर बहुत ढूंढा पर नहीं मिला, पर आप इसे G5 ऐप के अंदर देख सकते हैं। नंबर 7, 2008 की जम्बू। तो ये जम्बू नाम की एक हाथी की कहानी है, जिसे अक्षय कुमार ने आवाज़ दी है, और इस मूवी के अंदर और भी कलाकार ने आवाज़ दी है, जैसे कि राजपर यादव, युवराज सिंह, लाला दत्ता असलानी और भी कई सारे। और इस मूवी को रेटिंग दी है 10 में से 4.8, और आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो देख लेना। नंबर 6, 2008 की रोड साइड रोमियो। तो रोड साइड रोमियो किस तरह मूवी होने वाला है वो आप टाइटल पर के समझ सकते हैं। इस मूवी में सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपनी आवाज़ दी थी, और इस मूवी को रेटिंग दी है 10 में से 5.2, और इस मूवी को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मूवी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 5, 2013 की महाभारत। तो महाभारत क्या है और किसे कहते हैं ये बात तो आप जानते ही होंगे। इस मूवी के अंदर काफ़ी कलाकार ने अपनी आवाज़ दी है, जैसे कि अजय देवगन, विद्या बालन, सनी देओल, अनिल कपूर और भी कई सारे। इस मूवी को रेटिंग दी है 10 में से 5.4, और इस मूवी को आप यूट्यूब के अंदर देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो देख लेना। नंबर 4, 2012 की दीदी सफारी। तो ये मूवी इन सारे केसेस में एक परफेक्ट एनिमेशन मूवी है, जिसमें एडवेंचर कॉमेडी देखने को मिलेगा। और इस मूवी के अंदर बहुत कलाकार ने अपनी आवाज़ दी है, गोविंदा, अक्षय खन्ना, बुमन ईरानी, सुनील शेट्टी और भी कई सारे। और इस मूवी को रेटिंग दी है 10 में से 5.6, और इस मूवी को आप YouTube के अंदर देख सकते हैं, मूवी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, 2010 की रामायणा द एपिक। तो रामायणा किस तरह मूवी होने वाला है वो बात तो आप बेशक जानते ही होंगे। इस मूवी के अंदर आवाज़ दी है मनोज बाजपेयी और जूही चावला ने, और इस मूवी को रेटिंग दी है 10 में से 5.9, और आप इस मूवी को यूट्यूब पे देख सकते हैं, मूवी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो देख लेना। नंबर 2, 2014 की कुछा डायन। तो ये तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एक एनिमेशन मूवी है। इस मूवी को अलग ही लेवल पर बनाने के लिए कोशिश किया गया था। इस मूवी के अंदर रजनीकांत, दीपिका पादुकोण, जैकी श्रॉफ और भी एक्टर्स ने इस मूवी के अंदर काम किया है, और इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 में से 6.3 की रेटिंग, और आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 1, 2010 की अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। तो ये बॉलीवुड की सबसे पहली 2D एनिमेशन मूवी है, और ये कहानी है 5 पांडव की। अर्जुन सबकी चहेता एक वीर योद्धा की कहानी से तो आप जरूर वाकिफ होंगे। इस मूवी को रेटिंग मिली है 10 में से 6.9 की रेटिंग, और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सच में एक मूवी फैन है तो ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी हो कर देना, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड और नए वीडियो में।